और तुम राधे, तुम उस अनन्य प्रेम की शिरोमणि हो। सच तो ये है कि मैं ना तुम्हारे प्रेम की बराबरी कर सकता हूँ, ना उसका ऋण उतार सकता हूँ। क्षमा करना राधे। Hey guys, welcome back to my YouTube channel Technical Showmic। तो guys, आप सभी को पता है कि प्रीव्यू का जैसा वीडियो अभी Instagram Reels पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। जो कोई भी इस तरह का वीडियो बना के अपलोड कर रहा है, उसका वीडियो पर बहुत सारा लाइक और व्यूज आ रहा है। तो guys, आप भी इस तरह का वीडियो बना के एक बार ट्राई कर सकते हो। और इस तरह का वीडियो बनाना भी बहुत आसान है। इस छोटा सा वीडियो को पूरा देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपने पसंद का फोटो को यूज करके इस तरह का एक वीडियो बना पाओगे। तो guys, जरूर वीडियो को पूरा देख लेना, और वीडियो पूरा देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर वीडियो को एक लाइक कर देना। तो गाइस, प्रीव्यू का जैसा वीडियो बनाने के लिए आप लोगों को भी एन ऐप का जरूरत पड़ेगा, और ये ऐप आप लोगों को बहुत ही आसान से प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। तो अगर आपके पास भी एन ऐप नहीं है तो इसको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। देन आप लोगों को नीचे प्लस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। देन ऊपर में वीडियो के बगल में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप जिस फोटो से इस वीडियो को क्रिएट करना चाहते हो सिंपली यहाँ से उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फोटो सिलेक्ट हो जाने के बाद आप लोगों को नीचे एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान से देखना है, थोड़ा सा खिसका के आप लोगों को लास्ट पे जाना है। नीचे जो ब्लैक कलर वीडियो आएगा ये ऑटोमेटिक आ जाता है, इसके ऊपर क्लिक करके इधर से इसको डिलीट करना है। देन आपका जो नीचे फोटो लेयर है इसके ऊपर डबल टैप करना है। अब आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपका वीडियो कितना सेकंड का है। अभी आप लोग देख सकते हो मेरा वीडियो का ड्यूरेशन ओनली 1.27 सेकंड है। तो गाइस, इसको आप लोगों को इंक्रीज करके पहले 27 सेकंड से ऊपर करना होगा, क्योंकि ये आप लोग करोगे अगर तो आपका जो वीडियो ऐड होगा वो पूरा ऐड होगा। ठीक है, तो पहले आप लोग इसको इस तरह से खिसका के आप लोग इसका ड्यूरेशन इंक्रीज कर लीजिए। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे इसका ड्यूरेशन इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से आप लोगों को 27 सेकंड से ऊपर इसको कर लेना है, कुछ इस तरह से, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से करने के बाद आप लोग एकदम फास्ट पोजिशन पर चले आना है। आप इधर से आप लोगों को एक वीडियो को सिलेक्ट करना है। वीडियो को ऐड करने के लिए नीचे थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे वीडियो एंड फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। देन डिस्क्रिप्शन से वीडियो को डाउनलोड करके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो वीडियो यहाँ पे ऐड हो जाने के बाद आप लोगों को इस तरह से खिसका का आप लोग एकदम टॉप कॉर्नर पे लगाना है। देन यहाँ पे कॉर्नर पे इस तरह से खींच के इसको इस तरह से फुल स्क्रीन में कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो इसको इस तरह से कर लेने के बाद आप लोगों को नीचे थोड़ा सा आगे जाके यहाँ पे आप लोगों को ओपासिटी नेम का एक ऑप्शन मिलेगा। इस ओपासिटी ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर जो ओपासिटी, इसको थोड़ा सा माइनस कर लेना है। ओपासिटी माइनस हो जाने के बाद आप लोगों को थोड़ा सा आगे की तरफ जाना है। नीचे यहाँ पे आप लोगों को नीचे मास्क ऑप्शन के ऊपर चले जाना है। इसके ऊपर जाने के बाद आप लोगों को सेकंड नंबर पे जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर से इसके ऊपर और एक बार क्लिक करना है। देन आप लोग ऊपर में इस तरह से उंगली से प्रेस करके आप लोगों को इसको नाम नीचे लेके जाना है, कुछ इस पोजिशन पर। ठीक है, जितना दूर वीडियो है उसके थोड़ा सा ऊपर आप लोगों को इस तरह से कर लेना है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से करने के बाद यहाँ पे जो एरो दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा खींचना है, जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो इस तरह से कर लेना। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके बैक आ जाना है। अब आप लोगों को थोड़ा सा नीचे और खींच करना है। यहाँ पे ढूंढ लेना है आप लोगों को वॉल्यूम नेम का एक ऑप्शन। यहाँ पे वॉल्यूम ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, वॉल्यूम को प्लस 100 करके यहाँ से डन कर लेना है। अब आप लोग को एकदम लास्ट पे जाना है। नीचे आप लोगों को देख लेना है कि आपका जो फोटो है वो अच्छी तरह से एडजस्ट है या फिर नहीं। देख सकते हो मेरा जो फोटो है वीडियो से लंबा है, तो जहाँ पे वीडियो खत्म हो रहा है उसके ऊपर आना है। नीचे आप लोगों को फोटो के ऊपर क्लिक करके इसको इस तरह से क्रॉप करके वीडियो जितना दूर है उतना दूर आप लोगों को फोटो को कर लेना है। तो इस तरह से इतना दूर हो जाने के बाद आप लोगों को फर्स्ट पोजिशन पर चले आना है। अब इधर से आप लोगों को एक PNG टेस्ट को ऐड करना है, जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसको ऐड करने के लिए पहले डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। देन यहाँ पे ऐड करने के लिए थर्ड नंबर ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे वीडियो और फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। ऊपर में फोटो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड किए हुए PNG फोटो को ऐड कर लीजिए। तो ये PNG फोटो ऐड हो जाने के बाद आप लोग इसका साइज एडजस्ट करके आप लोग जहाँ पे चाहो इसको एडजस्ट करके लगा सकते हो। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे इसको लगाने के बाद इसका जो ड्यूरेशन है खींच के पूरा वीडियो पर कर लेना है। पूरा वीडियो के ऊपर करने के बाद आप लोग देख सकते हो आपका जो वीडियो है वो प्रीव्यू का जैसा बन के तैयार हो जाएगा। अब इधर से इसको सेव करने के लिए आप लोगों को ऊपर में एरो ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके नीचे राइट ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो गाइस, आज का वीडियो इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। वीडियो पसंद आया वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।